मैं यहाँ एग्जाम देने आई हूँ, किसी से दिल लगाने नहीं। हुँ? फूल लगा कर आना चाहिए था। क्या? अरे लिखो, एग्जाम नहीं देना है क्या? मेरा हो गया, लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो मैं तुम्हें देखूं। तुम्हारा नाम क्या है? साइलेंस। सॉरी, गलती से जोर से बोल दिया। तुम्हारा नाम क्या है? यामिनी। यामिनी? हाँ? बचपन से इतनी खूबसूरत हो, या मुझसे मिलने के बाद हुई हो? लोग कोयले की खान में दब के मर गए। देखो देखो कैसे रो रही है। तुम्हारी उम्र की होगी, इसका पति कोयले की खदान में मर गया और वो उसको जिंदा देखने की चाहत में रो रही है। मैं तो फिर भी जिंदा हूं, मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो? ये प्यार नहीं है यामिनी, ये तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी ये अपनों को खोने का डर जानती है। देखो किसी अपने को खोने पर कितनी तकलीफ होती है। हमारी मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि मैं शहर में पला बड़ा हूं, तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अगर मैं गांव में पैदा होता तो हमारा रिश्ता कभी बनता ही नहीं। मैं इसके जैसी लड़की से मिलता और हमारी शादी हो जाती, और बुरे वक्त में वो मेरा साथ देती, अपनी जान छिड़कती। काश मैं इस शहर में पैदा ही ना हुआ होता, काश मैं तुमसे कभी मिलता ही नहीं। अगर मैं हेलंदू में पैदा हुआ होता तो क्या रे छोकरे, ऐसा बीचों बीच काई को सोया रहा तू? चाय दे। तुम यहां हेलंदू में भी पहुंच गई, इसे भी छोड़ने का इरादा है क्या? तुम मुझे छोड़ के चली गई हो ना, तो मेरी राइटिंग में क्यों घुस रही हो? सुवर्णा। चाय दे। ये लो चाय। 7 साल हो रहे हमारी शादी को, और 6 साल का अपना बच्चा भी है, फिर भी आज तक डरती काई को रहे तू? कभी तेरे पे हाथ उठाया मैंने? मारा तेरे को? सुबह मेरा हाथ चला दी? क्या रे, इतनी सुबह सुबह को कहाँ जा रहा है? देखते नहीं BMW मेरा इंतजार कर रही ना? कलेक्टर हो तो कलेक्टरेट के ऑफिस में जाऊंगा। 10वीं में 503 मार्क लाया था मैं, हमारे यहाँ के सारे अफसर लोग आके बच्चों से ज्यादा नंबर था मेरा,
दारू पी को तुमने हाथ तोड़वाया और तुम्हारी जगह मैं मजदूरी करने को जा रहा हूँ और बेशर्मों की तरह मुझसे पूछ रहे कहाँ जा रहा हूँ। खदान का मजदूर कहाँ जाएगा? खदान में ही जाएगा ना। 20 साल की उम्र में घर की जिम्मेदारी उठाना काफी नहीं था? जो ये अनपढ़ को मेरे गले में डाल दिया तुम, मेरे को कुछ भी समझ में आता? उससे पहले ये बच्चा 6 साल का हो गया, ऊपर से रोज की खिच-खिच, कहाँ पे जा रहा है, किधर को जा रहा है। आइंदा फिर से मेरे को सवाल पूछे तो दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा। दूसरा हाथ तोड़ेगा तू? हाथ तोड़ ले, तोड़। ए ज्यादा बोलो मत, बैठो अपना न्यूज़पेपर पढ़ो। नमस्ते। और सब लोग मेरे घर के आगे जमा क्यों हो रहे? अरे तुम कैसे भूल सकते हो भाई, आज इलेक्शन का काउंटिंग है ना, सबको पक्का यकीन है कि तुम ही जीतोगे, इसलिए सोचा कि सब एक साथ काम पर जाएंगे। ऐसा क्या? लेकिन मैं स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ छोटू को, बाद में आगे मिलता हूँ। ठीक है भाई, चल छोटू जल्दी बैठ, जल्दी संभल कर भाई, गिनती शुरू होने वाली, जल्दी आना। ठीक है, ये पकड़ मत। श्रीनु, ऑल द बेस्ट। ये याद इधर आ। हाँ भाई, केबल वाले को बोल के मेरे घर की लाइन कटवा दे। क्यों, केबल काम नहीं कर रहा है क्या? ज्यादा है, काम करने लगा है, जल्दी कटवा इसको, अंग्रेजी बोल रही है अनपढ़। ठीक है भाई। ब्लैक डायमंड कोल माइन के यूनियन लीडर का चुनाव कौन जीतेगा इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑफिशियल्स का साथ दें। क्या रे, चश्मे में एकदम हीरो लग रहा हूँ ना भाई, एकदम मस्त लग रहा हो भाई। क्या रे शीनू के बच्चे, वोट की गिनती अभी शुरू भी नहीं हुई और तेरे को लगता है कि तू हीरो बन गया, सबके सामने स्टाइल मारता है। वैसे तुझे क्या लगा था, तो जीत जाएगा, वो भी यूनियन ऑफिस के सामने सब करने से। देखो पटनायक भाई, एक बात फोकड़ में बताता हूँ, 10 साल से तुम यूनियन लीडर बनते आए हो, वो भी एक तरफा चुनाव से, दहशत के मारे तुम्हारे सामने कोई खड़ा होता नहीं है, तो 10 साल के बाद मेरा जैसा कड़क लीडर तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत करता है तो तुम्हारी छुट्टी पक्की। वोटिंग तो सिर्फ नाम के लिए चेना, रिजल्ट तो सबको ही मालूम है। सातवीं पेटी के बाद श्रीनू 23 वोट से आगे। अबे जश्न मनाने की इतनी भी क्या जल्दी है? सुन बे, सातवीं बेटी की गिनती हुई है आखिरी नहीं, 23 वोट ज्यादा क्यों मिल गए? तेरा तो पूरा स्टाइल ही चेंज हो गया। मुन्ना जंग भी जारी है, 10वीं पेटी खुलेगी, 20वीं पेटी खुलेगी, फिर तेरी पतलून खुलेगी, फिर क्या होगा? एनजीओ ओपन कास्ट। हाँ, एनजीओ ओपन कास्ट वाले भी हमारे साथ हैं, तो तू घर जाना बेटा और जाके आराम कर। ब्लैक डायमंड कोल माइन के यूनियन लीडर का चुनाव भारी वोटों से जीतने वाले युवा उम्मीदवार हैं, जी हाँ, श्रीनु। अरे सुवर्णा, तुम्हारी माँ यहाँ पर आई है क्या? माँ यहाँ पर क्यों आएंगी, वो तो अपने गांव में है। तो तुम्हारे पापा जरूर आए होंगे, है ना? पापा माँ के साथ गांव में होंगे, इधर काय को आएंगे? तो मेरी पीठ कौन रगड़ेगा? आ रही हूँ। मैनेजर साहब, कितनी बार बोला मैं आंख में लेजर लाइट नहीं मारनेगा, मैं क्या भेड़ बकरी दिख रहा हूँ तुमको? दिन रात इज्जत दे रहा हूँ तो सर पे बैठ रहे तुम? इतने शोर शराबे में मेरी आवाज सुनाई नहीं देती, इसीलिए लाइट मारी। आवाज सुनाई नहीं देती तो मशीन पर चढ़कर कान में चिल्लाओ, पहले मेरा दिमाग खराब करते, बाद में मेरे को सनकी बोलते। वो सब छोड़ो, नीचे उतरो, बात करनी है। क्या है बोलो? जूनियर वेलफेयर ऑफिसर की जगह मिस स्मिता ज्वाइन हुई है, तुम्हें उनके साथ मिलकर काम करना है, इसलिए उनसे मिलवाने आया हूँ। स्मिता मैडम, श्रीनु। हाय श्रीनु। श्रीनु सर। श्रीनु सर। श्रीनु सर। स्मिता मैडम। हाँ स्मिता मैडम। हाँ मैडम, मैं श्रीनु इधर का यूनियन लीडर। हाय श्रीनु, आई एम स्मिता। मैडम हाथ गंदा मेरा। कोयले की खदान में काम करके तो हाथ गंदे ही होंगे ना। कोई बात नहीं, हाथ मिला सकते हो। मिलकर अच्छा लगा भाई। आपने नोटिस किया,
जब आप यूनियन लीडर थे तो बुड्ढे शुड्ढे वेलफेयर ऑफिसर आते थे, और जब से ये यूनियन लीडर बना है तो अप्सरा जैसी वेलफेयर ऑफिसर आई है, और वो उसके साथ हाथ मिलाकर उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। आपने कभी ऐसे हाथ मिलाया? बेटा सैदुल, हाँ भैया, तू यहाँ नया है क्या? एक बार ये नौकरी पकड़ लेते ना तो रिटायर होने तक हटते नहीं है। अगले साल फिर चुनाव होगा, और हमारी किस्मत अगर अच्छी रही तो अगली बार तो हम ही जीतेंगे। फिर तो भाई आप भी हाथ सहलाओगे। मैंने ऐसा बोला क्या बे? काम कर अपना, ठहर की कहीं का। ये चिपक काय को रही है, उधर मुंह करके सो जा। चिपक मत मेरे को, वैसे गर्मी से दिमाग खराब हो रहा है, लात मार के बाहर फेंक दूंगा तेरे को। लगता है आजकल ज्यादा ही गर्मी हो रही है। हाँ हो रही है। मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तेरे पास काहे को आऊंगा मैं? हाँ मत आना। अरे कभी पास नहीं आऊंगा, अनपढ़ जाहिल बेवकूफ। हाँ सारी पढ़ाई लिखाई तो तुमने की है। कोयले की खदान में हाथ तो गंदे होंगे। उधर भी क्लियर है, शुरू हो गई है। हाँ ब्लास्ट शुरू हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा। इसे बारूद भरने को एक घंटा लगेगा सर। हाय मिस्टर शीनू, ठीक है? श्रीनू, हाँ श्रीनू को बुलाना प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ रेडी। अरे वहाँ मैडम आई है पीछे। कौन आई है? मैडम। हाय। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप इधर कैसे? कुछ खास नहीं श्रीनू, मैनेजर ने कहा कि तुम मुझे खदान की पूरी सैर करवाओगे तो मैं यहाँ पर आ गई। हाँ हो जाएगा, बात कितनी बार बोलना पड़ेगा। हाँ भाई एक जरूरी काम आया है मेरे को, मैडम को खदान दिखाने की है, मैं जाकर आता हूँ। आप मैडम को संभालो भाई, मैं काम संभाल लूंगा। मतलब काम की फिक्र मत करो। चलो। नहीं नहीं श्रीनू, यहाँ बैठो, जल्दी चलो भैया। वाह वो उधर ही। देखो ये पूरा जो एरिया है ना, मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ आऊँ, और आज मौका मिल भी गया। वो उधर देख रही मैडम, वहां से चल। ये ठीक से चलाना रे, क्या कर रहा, देख के चला। देखिए मैडम, वो जो हिस्सा है ना वो अपना ही चे। मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसी बात नहीं की। ये कौन होता है मेरी दारू बंद करवाने वाला जी? ए श्रीनू नीचे। क्या रे ये सब ड्रामा क्या चल रहा है? हाँ पैदा बाबू को दारू छोड़ने क्यों बोला? वो पिएगा, काम पर भी आएगा, और तू कुछ नहीं बोलेगा। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? यूनियन लीडर बन गया तो खुद को मालिक समझने लग गया। पटनायक भाई तुम लोग क्या प्लान बनाकर आए ले मेरे को कुछ नहीं मालूम, पर घेरे बांध पकड़कर गलती कर दी है। अब ऐसा करो, एक नजर पीछे मुड़कर देखो, अगर मैंने इनको इशारा कर डाला ना तो खदान में इस दफन कर देंगे। क्या बोलते भाई लोग? अरे पागल है क्या, मजाक भी नहीं समझता क्या? अरे कॉलर तो मैला हो गया है, वही तो मैं चेक कर रहा था। अरे मुझसे कह दिया होता मैं धुलवा देता ना। अरे तू हमारा लीडर है, हीरो दिखना चाहिए। ए बड़ाओ दोबारा पी के आया ना तो दूंगा तेरे को। सब लोग एक बात समझ लो, अगर काम पे कोई पी के आया ना तो उससे पूछे बिना उसकी टांगे तोड़ दूंगा। समझ में आया कि नहीं? अब चलो अपने अपने काम पे, मैं शाम को मिलता हूँ। ए चलो। ओ पटनायक भाई सलाम मारना भूल गए क्या? नमस्ते भाई। भाई नमस्ते। ए, चल साइड। ए चीचा तुम रुको, तुमसे कुछ बात करने की है। क्या तुम है सब जी? काम पर लगो। दो बेटे ना तुम्हारे? हाँ तो? छोटे वाले का नाम क्या है? कार्तिक। वो बहुत आवारा गर्दी करता दिखता मेरे को, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता क्या? तुमको क्या करना है उससे? वो डॉक्टर बन सकता है मालूम,
तुमको तो पता ही है, दसवीं में मेरा 503 मार्क आया था। दारू के नशे में बाप हाथ तोड़ लिया और मजदूरी मेरे को करनी पड़ रही है। तुमको भी अपने बच्चे को मजदूर बनाने का क्या? उनकी जिंदगी काय को खराब कर रहे हो? जाओ, नशा उतरेगा तो काम पर आ जाना। और सुनो, अगर दारू पिए बिना काम पर तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगे ना, तो तुमको वॉलेंट्री रिटायरमेंट दिलवा दूंगा और पैसे बच्चों के नाम पे बैंक में रखवा दूंगा। फिर तुमको जो करना है करो, बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी। जाओ अब डूबो नशे में। तुम जैसे लोग लगता है बच्चों से मजदूरी कराने के लिए पैदा हुए हो।